Hello everyone, welcome back to Kaira Classes. This is my third lecture of class 10th Science, Chapter 2, Acids, Bases and Salts. आज की वीडियो का टॉपिक है सॉल्ट्स. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें Kaira Classes को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स से. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, प्लस वाटर फॉर्म होता है. नाउ कम टू पीएच ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो ज्यादा एच प्लस आइन दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो ज्यादा ओ एच माइनस आइन दे रहा है, जो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आइन्स दे रहा है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और उनकी पीएच वैल्यू होती है 7. जैसे मैंने आपको पीएच जब बताया था पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था 0 to 14 की रेंज होती है, और जो 7 है, जो बीच में 7 है, वहां पे वो पीएच होता है न्यूट्रल. बेसिकली जो 7 पीएच है वो न्यूट्रल दिखाता है, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. और 7 से कम जो होता है वो एसिडिक नेचर बताता है सॉल्यूशन का, और जो 7 से ज्यादा है वो अल्कलाइन या बेसिक नेचर बताता है सॉल्यूशन का. ऑन द अदर हैंड, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7. दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं. इसका मतलब इनका जो पीएच है वो 7 से कम होता है, इसलिए ये एसिडिक होते हैं. और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के जो सॉल्ट हैं वो बेसिक होते हैं या अल्कलाइन होते हैं नेचर में, क्योंकि उनका पीएच जो है, उनके पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है. नेक्स्ट है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. The salt is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. तो जो salt, simple अगर मैं बोलूं, अगर salt hydrochloric acid और sodium hydroxide के combination से बन रहा है तो उसे हम कहते हैं sodium chloride. इसका मतलब जब HCl जो है वो combine करेगा NaOH से तो क्या बनता है आपका, sodium chloride NaCl. This is the salt that we use in food. It is a neutral salt. तो ये जो salt है इसी को हम खाने में use करते हैं और यही क्या है, एक neutral salt है. Neutral मतलब आपको पता है इसका pH क्या होगा, 7 होगा. Sea water contains many salts dissolved in it. अब जो sea water है उसमें तो बहुत सारे salts होते हैं, उसमें dissolved sodium chloride is separated from these salt. तो इन्हीं salt से sodium chloride को separate किया जाता है. Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. अब ये जो बड़े-बड़े crystals होते हैं ये दिखने में एकदम brown होते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा impurities होती है. इसको हम कहते हैं rock salt. Beds of rock salt जो है वो कैसे बनते हैं, जब बहुत जब बायगॉन एजेस के सीज जो है वो ड्राइड अप होते हैं तब जाके बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट बनते हैं. रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल. कोल की तरह रॉक सॉल्ट की माइनिंग होती है. नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. ये बहुत सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल है, या फिर मैं कह सकती हूँ एक सोर्स है बहुत सारे केमिकल्स का. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. ये जो common salt है वो एक तरह से बहुत सारे materials का एक तरह से raw material है, जो हम daily use में जो materials use करते हैं उनका एक तरह से raw material है. जैसे sodium hydroxide का raw material है, baking soda, washing soda, bleaching powder और बहुत सारे ऐसे. Let us see how one substance is used for making all these different substances. अब हम ये देखेंगे ये जो एक सब्सटेंस है कॉमन सॉल्ट जो कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो किस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस को फॉर्म कर रहा है. तो स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से. जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में, मतलब NaCl का जो ये एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, मतलब वाटर, उसमें वाटर है सॉल्यूशन में, तो इसे हम कहते हैं ब्राइन. तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ये टूट जाता है और ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है NaOH.
The process is called the chlor-alkali process because of the products formed, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे क्लोर से क्लोरीन आ रहा है और एल्कलाई से आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. जैसे रिएक्शन है 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2. Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. तो जो chlor alkali process है उसमें chlorine gas जो वो anode से निकलती है, hydrogen gas cathode से निकलती है, sodium hydroxide जो है वो cathode के पास form होता है, बनता है. तो basically तीन products इस reaction में या इस process में form होते हैं या produce होते हैं, वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. तो यहां पे आप देख सकते हो डायग्राम में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. तो यहां पे आप देख सकते हो किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखा रखा है फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, और यहाँ पे ब्लीच में दिखा रखा है आपको फॉर हाउस होल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग फैब्रिक, ये सब. नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन. क्लोरीन कैसे फॉर्म हो रहा था, जब एक्वस सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन कहते हैं, जब उसे हम तोड़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा था. दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ये जो क्लोरीन गैस है इसको यूज किया जाता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जा सके. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम CaOH2, जो कि इसका केमिकल फॉर्मूला है. ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. तो ये जो क्लोरीन गैस है मैंने आपको बताया, ये इसे यूज किया जाता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर को हम मैन्युफैक्चर कर सके, बना सके. ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो जब क्लोरीन का जो एक्शन, मतलब जब क्लोरीन को ड्राई स्लेट लाइम CaOH2 से पास कराया जाता है, तब जाके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है. ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 है, लेकिन इसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो. सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन CaOH2, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैं कह सकती हूँ एक तरह ड्राई स्लेट लाइम है, जब ये Cl2 से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉटर. ब्लीचिंग पाउडर की अब कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम ये देख लेते हैं. तो ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन और लिनन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन है उसको ब्लीच करने में हेल्प करता है ब्लीचिंग पाउडर. वुड पल्प, पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड पल्प है उसकी ब्लीचिंग में यूज किया जाता है, और जो लॉन्ड्री में वॉश्ड क्लोथ्स हैं उनकी ब्लीचिंग की जाती है इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज करके. एक तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्रीज में. ये ड्रिंकिंग वाटर को भी डिसइंफेक्ट करता है, और इसका मतलब है कि जो जर्म्स हैं उनसे फ्री करता है ये ड्रिंकिंग वाटर को. तो ये थी ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस. नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा. द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग फूड आइटम्स इज बेकिंग सोडा. तो किचन में खाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सोडा, उसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा. केक, पेस्ट्रीज इन सबको बनाने में समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग. कभी कभी जल्दी बनाना है, जल्दी पकाना है, तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है. द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. सो यहाँ पे जो केमिकल नेम है इस कंपाउंड का वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3. इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स. तो मैंने आपको बताया था ये एक तरह से सोडियम क्लोराइड को यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल है इसे प्रोड्यूस करने के लिए. तो जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3, जो कि क्या है आपका, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट.
अब देख लेते हैं इसके यूजेस के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो कि एक तरह का मिक्सचर है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक माइल्ड एडिबल एसिड जिसे हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। तो ये बेसिकली इसका मिक्सचर है बेकिंग पाउडर। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब बेकिंग पाउडर को आप हीट करोगे और फिर या फिर मिक्स करोगे वाटर में तो एक रिएक्शन होता है NaHCO3 प्लस H प्लस। अब वो कोई भी आप एसिड से ले सकते हो। देन इट विल गिव यू CO2 वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के दौरान, इससे क्या होता है जो ब्रेड है या फिर केक है वो फूल जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रीडियंट इन एंटासिड्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक तरह से एंटासिड्स की तरह यूज किया जाता है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था एसिडिटी अगर है तो उसमें यूज, उससे रिलीफ पाने के लिए इसे यूज किया जाता है। ओके, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो इसका नेचर अल्कलाइन है, बेसिक है, तो ये जो एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या प्रोवाइड करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। ये एक दूसरा केमिकल है जो कि हम सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन करते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हम अगर बेकिंग सोडा को हीट कर दें और सोडियम कार्बोनेट को फिर से रिक्रिस्टलाइज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। ये एक बेसिक सॉल्ट है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिखाया हुआ है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट H2O। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका खासा यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ये सोडियम कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर जैसे कि बोरेक्स, इनमें भी काम आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। एक तरह से क्लीनिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट CuSO4 के जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई दिखते हैं लेकिन उनमें वाटर होता है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनमें प्रेजेंट होता है। जब हम क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो इस वाटर, ये जो वाटर है ये रिमूव हो जाता है और जो सॉल्ट है वो व्हाइट हो जाता है। इफ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विद वॉटर वी विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल री अपियर्स। अगर आप फिर से क्रिस्टल्स को मॉइस्ट करोगे, उसमें वॉटर एड करोगे उन क्रिस्टल्स में, तो क्या होता है, जो ब्लू कलर होता है क्रिस्टल का वो दोबारा देखने को मिल जाता है। वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है, या फिर उसे कहते हैं, जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। तो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में फिक्स्ड नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम कहते हैं वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फाइव वॉटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एक फॉर्मूला, जो वन फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट में, उसमें फाइव वॉटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 5H2O। तो अगर मैं हाइड्रेटेड मतलब उसमें वॉटर मिला हुआ है, तो अगर मैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बोलूं तो वो फॉर्मूला है CuSO4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
वन अदर सॉल्ट विच पजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम. एक और सॉल्ट है जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पजेस करता है जिसे हम कहते हैं जिप्सम. इट हैज टू वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब कैल्शियम सल्फेट एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पैरिस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है POP. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O. तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं किस टेम्परेचर पे, 373 केल्विन के टेम्परेचर पे, जब आप जिप्सम को हीट करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 हाफ H2O. दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पैरिस. इसी को हम प्लास्टर ऑफ पैरिस कहते हैं. द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन. तो किसी के अगर फ्रैक्चर है बोन्स में तो उसको ठीक पोजिशन में रखने के लिए डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं. प्लास्टर ऑफ पैरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वॉटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास. अगर प्लास्टर ऑफ पैरिस एक तरह का व्हाइट पाउडर है और तो अगर आप उसमें वाटर फिर से मिक्स कर दोगे तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में. क्योंकि जिप्सम को हीट करने पे हम क्या बना रहे थे, हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे हम प्लास्टर ऑफ पैरिस कहते हैं वो फॉर्म हो रहा था. तो अब आप उसमें फिर से वाटर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लास्टर ऑफ पैरिस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो प्लास्टर ऑफ पैरिस एक व्हाइट पाउडर है और अगर आप इसे वाटर के साथ मिक्स कर दोगे तो फिर ये जो जिप्सम है ये फिर से एक हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां पे आप देख सकते हो इसका मतलब किस तरह से रिएक्शन दिखाया हुआ है. प्लास्टर ऑफ पैरिस CaSO4 हाफ H2O और फिर इसमें अगर वाटर एड हो जाता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, मतलब इसमें 3/2 H2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं तो ये फॉर्म करेगा जिप्सम जो कि CaSO4 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस की बात करें तो फर्स्ट है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स यूज करते हैं जिससे वो फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट कर सके. सेकेंड इसका यूज है ये डेकोरेटिव मटीरियल्स में यूज किया जाता है फॉर डेकोरेशन पर्पजेस. और तीसरा इसका ये है कि स्टैच्यूज को फॉर्म करने में यूज किया जाता है. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.